हेलो सलाम नमस्ते कैम छो, स्वागत है आपका आज के वीडियो में और स्वागत है आपका मनाली में। इस वक्त मैं हूँ मनाली में और ये जगह है ओल्ड मनाली, और ओल्ड मनाली जो है वो मनाली से लगभग 3 किलोमीटर अंदर की तरफ आता है, तो काफ़ी अच्छा एरिया है, शांत एरिया है। और यहाँ पर मैं ठहरा हूँ, पीछे एप्रिकॉट का पेड़ है, लगभग 3-4 एप्रिकॉट तो मैं खा चुका हूँ सुबह से उठने के बाद, तो काफ़ी बढ़िया जगह है, एकदम पीसफुल जगह है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का वातावरण है, बहुत अच्छा है ओल्ड मनाली का। तो अगर आपको पीस पसंद है तो आप ओल्ड मनाली में स्टे ले सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है। तो फिलहाल मैं आपको होटल दिखा देता हूँ, ये एंट्री है और ये होटल है जहाँ पर मैं ठहरा हूँ। एकदम शांत जगह है, काफ़ी बढ़िया जगह है, ये सारी पार्किंग है। तो ये रूम है, देखो आप, काफ़ी बड़ा रूम है, तो डबल बेड है और ये बाथरूम है इस तरफ में। तो रूम आपने देख लिया, 1500 रुपये पर नाइट का टैरिफ पड़ा है मुझे यहाँ पर, और डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर। अभी फ़िलहाल सीज़न चल रहा है तो इसका 1500 रुपये रेट है, 1500 से 2000 भी हो जाता है वीकेंड पर, और अगर आप ऑफ सीज़न में आते तो ये रूम आपको 800-1000 में भी मिल जाता है। सामने वहाँ पर वो जो आपको देवदार के बड़े से पेड़ दिख रहे होंगे वो नेचर पार्क है, और इस तरफ में नीचे मनालसू नदी बहती है और आगे व्यास नदी है जहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे चलकर। तो वहाँ पर होटल है जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर मैं ठहरा हूँ वहाँ से मैं ये सीढ़ी होकर नीचे आया हूँ, और ये नीचे का नज़ारा देखो आप, क्या बढ़िया नज़ारा है। सामने इतने सारे देवदार के पेड़ है घने, ये पूरा नेचर पार्क है, और ये मनालसू रिवर है। ये मनालसू रिवर है और इस तरफ में ये देखो, ये है व्यास रिवर, और इन दोनों का ये संगम है। तो नज़ारा काफ़ी बढ़िया है, और होटल की जो लोकेशन है वो बहुत प्यारी लगी मुझे, सब कुछ पास में है यहाँ पर। और सामने वहाँ पर आपको एक रोड दिख रहा होगा, वो ओल्ड मनाली से मनाली की तरफ जाने का रास्ता है। नीचे का नज़ारा मैंने आपको दिखाया, मनालसू रिवर और व्यास नदी का जो संगम था वो, और ऊपर की तरफ आ गया हूँ मैं, और इस तरफ ये पूरा नेचर पार्क है, मैंने आपको बताया था। और अभी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो करीब 300 मीटर आगे आया हूँ मैं अपने होटल से, और यहाँ पर पीछे देखो आप, द क्लब हाउस लिखा हुआ है मनाली, तो ये मनाली का क्लब हाउस है, इसमें काफ़ी सारे स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर, और बाहर रेस्टोरेंट, स्नूकर पूल, चेस, टेबल टेनिस वगैरह सब कुछ है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है अंदर। तो फिलहाल हमें एक एक्टिवा रेंट पर लेना है जिससे पूरा मनाली एक्सप्लोर करेंगे आज हम। अभी फ़िलहाल सुबह के 9 बज रहे हैं इस वक्त, तो शाम के बाद यहाँ काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है, पब्लिक निकलती है यहाँ पर घूमने के लिए, खाने पीने के लिए। तो ये रिवर क्रॉसिंग है, यहाँ पर देखो आप, 150 रुपये का चार्ज लगता है रिवर क्रॉसिंग का। तो यहाँ से जिपलाइन होता है सामने की तरफ, ये जो केबल जा रहा है आगे वहाँ पर, 300 रुपये यहाँ का चार्ज रहता है जिपलाइन का आने जाने का। और बाकी ये मनालसू रिवर है जो मैंने आपको बताई थी, और इस तरफ में ये सारे कैफेज़, होटल्स वगैरह हैं। नेचर अगर पसंद है तो ओल्ड मनाली सबसे बेस्ट है आपको स्टे के लिए मनाली में, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टे लिया है। अगर आप मनाली में स्टे लोगे तो आपको थोड़ा स्टे महंगा भी पड़ेगा, और उसके अलावा आपको बहुत सारा क्राउड मिलेगा वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा रश होता है। यहाँ पर एक्टिवा रेंट पर मिलता है, तो पता करते हैं क्या रेट है। तो एक्टिवा मिल गया है मुझे यहाँ पर, ये वाला गाड़ी लिया है, XS125 वाला, और ये मुझे 600 रुपये में पड़ा है यहाँ पर। यहाँ पर हमें बाइक भी मिल जाएगी, अगर बाइक चाहिए तो उसका 1000 से लगा के 1500 के बीच रेंट रहता है बुलेट वगैरह का, और अगर इस तरह की हिमालयन वगैरह बाइक लेनी है तो उसका 1500 से 1800 के बीच में रेट चलता है। तो ये बाइक वगैरह सारा मिल जाता है आपको मनाली में, और लोकल मनाली एक्सप्लोर करने के लिए एक्टिवा भी चल जाता है, लेकिन अगर आपको दूर की तरफ जाना है तो बुलेट या बाइक लेना पड़ता है। तो हेलमेट ले लिया है और एक्टिवा भी ले लिया है, और अभी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अभी हम यहाँ से जाएंगे सबसे पहले मनु टेम्पल, बाकी जो स्टोरी है उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा। तो चलते हैं आगे की तरफ।
तो मैं पहुंच गया हूं मनु टेम्पल पर, जहां से हमने एक्टिवा लिया था वहां से लगभग 500 मीटर ही है, ज़्यादा नहीं है ये, और ये भी ओल्ड मनाली में ही आता है। तो ये मंदिर की एंट्री है और ये मंदिर है। तो ये मंदिर था जो मैंने आपको अंदर से बताया, पकोड़ा स्टाइल मंदिर है ये, और काफ़ी पुराना मंदिर है। इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि काफ़ी पुराना मंदिर है, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि ये कितना पुराना है। काफ़ी समय पहले एक औरत जब गोबर की खुदाई कर रही थी, तो गोबर के अंदर से उसे कुछ मूर्तियाँ मिली, और कुल्हाड़ी से खुदाई करते समय जब मूर्ति पर चोट लगी तो मूर्ति में से खून बहने लगा। फिर वो मूर्तियाँ मिली और उन मूर्तियों को संरक्षित करके इधर मंदिर बनाया गया। और मनाली का जो नाम है वो भी मनु के ऊपर ही है। पहले मनाली का नाम मनु आले हुआ करता था, बाद में फिर मनाली पड़ा, तो मनाली मनु ने बसाया था ऐसा कहते हैं। तो ये मनु टेम्पल का पैसेज है और ये मनु टेम्पल है, नीचे पकोड़ा स्टाइल में बना हुआ है ये। और मैं थोड़ा ऊपर की तरफ आया हूँ, पीछे की तरफ ये पूरा ओल्ड मनाली गांव है इस तरफ, और आगे काफ़ी सारे कैफेज़ वगैरह हैं, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है पीछे की तरफ भी। और इस तरफ में ये सारे देखो बगीचे हैं, और यहाँ पर ये एप्पल का पेड़ है, सेब का पेड़ है, देखो आप छोटी छोटी एप्पल दिख रही है सारी। तो मैं पहुंच गया हूँ अडिम्बा देवी टेम्पल पर, पीछे अडिम्बा देवी टेम्पल है, और जो मनु टेम्पल देखा था वहाँ से ये लगभग 1 किलोमीटर है, और जो ओल्ड मनाली मैंने आपको दिखाया था वहाँ से 500 मीटर है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखो खरगोश प्यारा सा, इतना बड़ा। तो ये अडिम्बा देवी टेम्पल है, देखो आप काफ़ी भीड़ है, और ये पकोड़ा स्टाइल में बना हुआ है। तो ये मंदिर है देखो आप, यहाँ से अंदर गुफा है, उस गुफा में से दर्शन होते हैं, तो उसके लिए हमें लाइन में लगना पड़ेगा। और वैसे भी अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं करते यहाँ से, तो मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। इस मंदिर को यहाँ के जो राजा थे बहादुर सिंह जी, उन्होंने बनाया था 1553 में, तो काफ़ी पुराना मंदिर है। वैसे बताते हैं कि महाभारत काल से ये मंदिर है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो 1553 में यहाँ के राजा बहादुर सिंह जी ने इसे बनाया था ऐसा बताते हैं। तो ये अडिम्बा देवी मंदिर है, जो अंदर से मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन बाहर से बता रहा हूँ। तो ये अडिम्बा देवी मंदिर था पीछे की तरफ, और यहाँ पर ये डूंगरी वन विहार है। यहाँ पर टिकट मिल जाता है, 10 रुपये का टिकट है, और ये पूरा ट्रेल है अंदर की तरफ देखो आप। तो उस तरफ में रेस्टोरेंट भी है एक दो, और झूले वगैरह लगे हुए, राइड्स लगी हुई है बच्चों के लिए, तो फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अडिम्बा देवी मंदिर मैंने आपको बताया, अभी यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, घटोजगत मंदिर है आगे, लगभग 300 मीटर की दूरी पर है यहाँ से। बाकी नज़ारा बहुत बढ़िया, आप देखो ऊँचे ऊँचे देवदार के पेड़ है। क्या चार्ज है भैया इसका? इसका चार्ज है फोटो का 50 रुपये। तो यहाँ के देखो आप 50 रुपये का चार्ज है इसका फ़ोटो खिंचवाने का, और अगर आपको इसका सफ़र करना है तो लगभग 200 रुपये लेते हैं, 200-300 मीटर आपको राउंड करवाते हैं ये लोग। मनाली अगर आते हैं तो लोग याक पे फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं, और अभी ये समर का टाइम है, मनाली का जो नज़ारा है वो विंटर में पूरा बदल जाता है, पूरा बर्फ़ की चादर से ढका हुआ होता है मनाली, और ख़ास करके अडिम्बा देवी टेम्पल यहाँ पर पूरी बर्फ़ रहती है, तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा होता है। अगर आप विंटर में आओगे तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरफ ही अडिम्बा देवी टेम्पल था, वहाँ से हम चलते चलते बाहर की तरफ आए हैं, करीबन 200 मीटर चला हूँ मैं, और यहाँ पर आगे ये घटोत्कच मंदिर है, और अडिम्बा देवी के पुत्र थे घटोत्कच, तो यहाँ पर ये मंदिर है। तो यहाँ पर इसकी जानकारी लिखी हुई है, आप स्टॉप करके पढ़ लेना, काफ़ी लंबा है, मैं बताऊँगा तो लंबा हो जाएगा, तो आप देख लेना पूरा डिटेल से लिखा हुआ है ये।
जो हिडिंबा देवी टेम्पल हमने देखा था वो मनाली और ओल्ड मनाली के बीच में है। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो मॉल रोड स्टार्ट होता है। ये मनाली का मॉल रोड है, लेकिन आप देखो यहाँ पर अंदर टू व्हीलर और फोर व्हीलर की एंट्री नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर रात को आएंगे, रात का नज़ारा काफ़ी बढ़िया होता है मॉल रोड का। तो मैं अभी जिस जगह पर आया हूँ वो कुछ खास जगह नहीं है, लेकिन आपके लिए जानने जैसी जगह है। तो ये जो रोड आपको दिख रहा है ये चंडीगढ़ की तरफ जाता है, दिल्ली की तरफ। मैं यहीं से आया था। जो भी लोग दिल्ली चंडीगढ़ से मनाली आते हैं यहीं से आते हैं। तो ये हाईवे है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पर उतारेंगे वॉल्वो वाले। यहाँ पर लग्जरी पार्किंग है, सारी गाड़ियाँ बस यहीं पर खड़ी रहती है। यहाँ पर आपको उतरना पड़ेगा और यहाँ से आप टैक्सी या ऑटो करके मनाली की तरफ जाएंगे। इस तरफ ये जो आपको गेट दिख रहा है यहाँ से मनाली की एंट्री है। अगर आप प्लेन से आना चाहते हो तो 50 किलोमीटर दूर भुंतर एयरपोर्ट है, वहाँ से फिर आप टैक्सी करके यहाँ आ सकते हो। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हो तो दिल्ली या चंडीगढ़ लास्ट स्टेशन है, वहाँ से फिर आपको बाय रोड ही आना पड़ेगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके काफ़ी काम आएगी अगर आप पहली बार मनाली आओगे तो। तो ये जगह मैंने आपको बता दी, ये जानकारी मैंने दे दी, और अभी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहुंच गया हूं मैं वशिष्ठ मंदिर पर, और ये जो जगह है वो मनाली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो हमने हिडिंबा देवी टेंपल देखा था वहां से भी इतना ही पड़ता है, 2.5 से 3 किलोमीटर। तो उस तरफ से आए हम, और ये वशिष्ठ मंदिर का पैसेज है। पार्किंग उस तरफ में है टू व्हीलर का, वहाँ पर गाड़ी पार्क किया है। और ये एक शिव मंदिर है छोटा सा, और उसके पास में एक वशिष्ठ मंदिर है, मुख्य मंदिर। तो पहले शिव मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये शिव मंदिर था, और इस तरफ में ये वशिष्ठ मंदिर है। तो यहाँ पर जूते उतारने, एक जोड़ी का 5 रुपया लेते हैं रखने का। तो जूते वहाँ पर रखवा दिए, और यहाँ से मंदिर में चलते हैं। ये वशिष्ठ मंदिर है, मंदिर का द्वार है। ये है मुख्य वशिष्ठ मंदिर। तो वो द्वार है, मुख्य गेट, वहाँ से अंदर आए हैं, और ये मंदिर है वशिष्ठ जी का। तो मंदिर वैसे 5000 साल पुराना है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ था कि 1800 साल पुराना मंदिर है ये, अंदर का जो भाग है वो। तो ये बाद में फिर रिनोवेट किया गया है, जो बाहर आपको मंदिर दिख रहा है। यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि ने 88,000 साल तपस्या की थी ऐसा बताते हैं। तो ये वशिष्ठ टेम्पल था, और इस तरफ में ये गर्म पानी का कुंड है। तो ये गर्म पानी का कुंड है, देखो आप। और यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि ये सल्फर वाटर निकलता है, जो कि स्किन के लिए काफ़ी अच्छा बताते हैं। पानी बिल्कुल गर्म है, थोड़ी देर यहाँ पर पैर डाल के बैठते हैं। तो पानी इतना गर्म है कि अंदर पैर 2 सेकंड के लिए रख सकते हैं। मुझे लगा था यहाँ पर इजीली नहा लेंगे, लेकिन पानी इतना गर्म है कि पैर अंदर रखने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो काफ़ी गर्म पानी है ये, और पानी, ये पानी मैंने आपको बताया सल्फ़र वाला है, जो कि अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सल्फ़र का पानी है, इसमें अगर आप नहाओगे तो आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। तो ये गर्म पानी का कुंड था, अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बढ़िया जगह लगी मुझे ये। अभी इस मुख्य गेट से, मेन द्वार से बाहर की तरफ चलते हैं। ये शिव मंदिर था, मैंने आपको बताया था। और इस तरफ में पीछे वशिष्ठ मंदिर है जहाँ से हम बाहर आए हैं। यहाँ पर ऊपर एक राम मंदिर है, उसके भी दर्शन कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ये राम मंदिर है, लेकिन इसके फ़िलहाल कपाट बंद हो गए हैं। इधर लिखा हुआ है 2 से 3 बजे बंद हो जाता है। तो राम मंदिर भी बंद है, और वशिष्ठ मंदिर भी बंद हो गया, अंदर के कपाट बंद हो गए हैं। दोपहर में 2 बजे बंद होते हैं और 3 बजे खुलते हैं। तो कभी भी आप वशिष्ठ मंदिर आओ तो ध्यान रखना, दोपहर के 2 बजे ये बंद होता है और 3 बजे खुलता है।
तो ये वशिष्ठ मंदिर था और इस तरफ से ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये जाता है जोगनी वाटरफॉल के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 600 से 700 मीटर बताते हैं और वहाँ पहुँचने में लगभग पौना घंटा लगता है। लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं आगे से जाऊँगा मेन रोड से। यहाँ से 1.5 किलोमीटर मेन रोड पर आगे जाना पड़ेगा रोहतांग वाली साइड पर और वहाँ से फिर चढ़ाई है। जो लोग यहाँ वशिष्ठ मंदिर में दर्शन करने आते हैं यहीं से जाते हैं वाटरफॉल के लिए, तो ट्रैफिक भी काफ़ी मिलता है यहाँ पर। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ जोगाणी वाटरफॉल के लिए। तो मैं आ गया हूँ जोगिनी वाटरफॉल के लिए और यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाता है। यहाँ पर देखो सारी टू व्हीलर पड़ी है, फोर व्हीलर तो काफ़ी पीछे रहती है और यहाँ से अभी ट्रैक करके ऊपर जाना है। ये रास्ता है देखो आप, यहाँ पर भी टू व्हीलर खड़ी है और यहाँ से ट्रैक करके ऊपर जाना है जोगिनी वाटरफॉल के लिए। वो उस तरफ में वाटरफॉल दिख रहा होगा आपको वहाँ पर। तो मैगी ऑर्डर की है मैंने क्योंकि दोपहर के 2:30 बज गए हैं और सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो थोड़ी सी मैगी ऑर्डर की है, एक चाय ऑर्डर की है मैंने, तो ये खाएँगे और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। बाकी यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है, इस तरफ भी पानी आता है ऊपर से, यहाँ वहाँ ऊपर से पानी आ रहा है इस तरफ में होता हुआ नीचे जा रहा है, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। देखो मैंने सोचा ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एनर्जी ले ली जाए, हल्का फुल्का खा लिया जाए, इसीलिए मैगी ऑर्डर की है। तो मैगी खाएँगे और उसके बाद में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये मैगी पॉइंट था, यहाँ पर मैगी खाई, अच्छे से पेट पूजा हो गई है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखो, ये बहंग गाँव है, गांव का नाम बहंग है शायद। तो यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है और अभी ट्रैक की शुरुआत करते हैं। तो इसके दो पॉइंट है इस ट्रैक के, जोगिनी ट्रैक के, जोगिनी वाटरफॉल के। नीचे वाला जो पॉइंट है वो 15 मिनट के आसपास उसमें समय लगता है पहुँचने में और जो मेन पॉइंट है वहाँ पर जाने में लगभग 45 से 50 मिनट लगता है। तो ये नीचे वाला पॉइंट आ गया है लगभग 10 मिनट में, वहाँ से वाटरफॉल दिख रहा होगा आपको। मोस्टली जो फैमिली वाले होते हैं वो यहीं पे आते हैं। बाकी मेन वाला जो पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। तो ये नीचे वाला पॉइंट है देखो आप, वाटरफॉल दिख रहा होगा आपको, काफ़ी ऊंचा है ये वाटरफॉल और ये पहाड़ भी काफ़ी ऊंचा है। तो ये वाटरफॉल है देखो आप सामने, यहाँ से इन पत्थरों में होके जाना पड़ता है और लगभग जूते निकालने पड़ेंगे क्योंकि नीचे पानी में होके आगे जाना पड़ता है। ये जो पॉइंट है पीछे वाला, ये नीचे वाला पॉइंट है, ऊपर वाला जो पॉइंट है वो उस तरफ में है आगे इसके ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम मेरी उंगली वाली है, मैंने आपको बताया था मैं ऊपर जा रहा था लेकिन उंगली में दर्द शुरू हो गया और अभी अभी मेरी उंगली फ्रैक्चर हुई थी लगभग 40 दिन पहले, तो अभी तक पूरा रिकवर नहीं हुआ है। तो इस बार मैं आपको टॉप पर लेके नहीं जा सकता, लेकिन मोस्टली जो पब्लिक आती है, जो फैमिली वाले आते हैं, जो भी पिकनिक करने आते हैं वो यहीं पर आते हैं, ऊपर सिर्फ ट्रैकिंग वाले जाते हैं। मैं आपको लेके जाने वाला था लेकिन मेरी समस्या है, तो आप समझ सकते हो मेरी उंगली में काफ़ी दर्द है और क्रैक है, अगर वो क्रैक फिर से बढ़ गया तो मुझे यहाँ से बैक टू पवेलियन घर भी जाना पड़ सकता है। तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं आपको यहाँ से ये वाला पॉइंट दिखा देता हूँ वाटरफॉल वाला। तो ये जोगिनी वाटरफॉल है, मैं आगे चलता हूँ आपको लेकर। उंगली टूटी हुई है लेकिन मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, ये भी रिस्क है लेकिन यहाँ तो आपको लेके जाना बनता है, नहीं तो फिर आप बोलोगे आपको कुछ दिखाया नहीं मैंने। यहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर है और पानी काफ़ी फोर्स से आ रहा है, तो मैं जा तो सकता हूँ लेकिन मेरी उंगली में प्रॉब्लम है, अगर क्रैक फिर से बढ़ गया तो तकलीफ हो जाएगी, इसीलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। दोनों तरफ पहाड़ है देखो, इस तरफ भी ऊँचा सा पहाड़ है ये, इस तरफ भी ऊंचा सा पहाड़ है और उसके पीछे से यहाँ से ये झरना गिरता है, तो काफ़ी सुंदर दृश्य है ये।
दीदी के यहाँ पर मैगी खाई थी, वहीं पहुँच गए फिर से। यहाँ पर आके मैगी खाना, ट्रैक स्टार्ट होता है उसके पहले इनकी मैगी अच्छी बनाते हैं। तो ये ट्रैक था जोगानी फॉल, मैंने आपको दिखाया। सेकंड वाला जो पोर्शन था मैंने वो आपको दिखाया था, उसके ऊपर और भी है लेकिन वहाँ पर मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया वो मैंने आपको बता दिया था। तो ये जोगानी वाटरफॉल था। अभी यहाँ से चलते हैं मनाली मेन मार्केट के लिए, मॉल रोड के लिए। तो हम इस तरफ से आए हैं जोगिनी वाटरफॉल से। ये रोहतांग वाला हाईवे है और इस तरफ में ये मनाली को जाता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर बाकी रह गया है। तो रास्ते में जाते समय मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, अगर आप हेलीकॉप्टर से मनाली घूमना चाहो तो घूम सकते हो। तो यहाँ पर पीछे हेलीपैड है और यहाँ से हेलीकॉप्टर आपको सैर करवाता है मनाली की, जो कि लगभग 10 मिनट की सैर होती है, 10 से 15 मिनट की। और पर पर्सन का 5,000 रुपये का चार्ज लगता है। अगर आपकी फैमिली 4 की है तो आप 5×4 कर लो, 20,000 रुपये आपको चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर देखो हेलीकॉप्टर आया है ये, और ये अभी यहाँ पर लैंड होगा। आप जब मनाली आओगे तो हेलीकॉप्टर आपको दिखता रहेगा उड़ते हुए, वो यही है, यही लोग हैं जो मनाली आपको ऊपर से दिखाते हैं। तो 5,000 रुपये चार्ज लगता है हेलीकॉप्टर से मनाली देखने का। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। और अभी यहाँ से चलते हैं मनाली मॉल रोड के लिए। ये सारी गाड़ियाँ जो है वो रोहतांग से आई है। सुबह ये लोग रोहतांग के लिए निकलते हैं यहाँ से 6-7 बजे, और अटल टनल होते हुए, सोलांग वैली होते हुए ये वापस आते हैं। तो शाम को काफ़ी ट्रैफिक लग जाता है गाड़ियों का। तो मैं पहुंच गया हूं मनाली मॉल रोड पर, और ये यहां पर स्टैचू है अटल बिहारी वाजपेयी का। यहां से एंट्री है मॉल रोड की, और इस तरफ में पूरा मॉल रोड है ये यहां पर। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी यहां पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, शाम के समय काफ़ी सारी गाड़ियां रहती है। तो लगभग 200-300 मीटर के लिए आपको 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है शाम को। बारिश कब से आ रही है, छींटे आ रहे हैं, तो एकदम अंधेरा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 7 बजे, लेकिन अभी लगभग 5:30 बजे हैं। तो ये यहाँ पर पीछे काफ़ी सारी होटल्स है, और ये पूरा मॉल रोड है। मैं आपको आगे तक लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये देखो पैरों की मालिश वगैरह होती है इस तरह से। तो मनाली में जब ट्रैकिंग करके थक जाओ तो यहाँ पर आके मालिश करवा लेना, 150 से 250 रुपये मालिश होती है, बढ़िया वाली। तो ये मॉल रोड है मनाली का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो मॉल रोड पर ये दुर्गा माता मंदिर है, देखो आप, माता का मंदिर है दुर्गा माता का, और ये भी पकोड़ा स्टाइल में बना हुआ है, एकदम खचाखच भरा हुआ है ये मॉल रोड इस समय। और अभी जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे और ट्रैफिक बढ़ेगा, यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी। तो काफ़ी सारी पब्लिक है, काफ़ी खचाखच भरा हुआ है मॉल रोड इस समय। तो ये बस स्टैंड है, देखो आप, HRTC बस स्टैंड मनाली लिखा हुआ है, और ये मॉल रोड के बिल्कुल पास में है। इस तरफ में ये मॉल रोड है और इस तरफ में ये बस स्टैंड है। ये जो आप दुकान देख रहे हो सारी खाने पीने की, ये यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है मनाली मॉल रोड में। तो मॉल रोड मैंने आपको बता दिया, लगभग 500 मीटर का मॉल रोड है ये मनाली का। वैसे तो आगे जाओगे तो और भी है मॉल रोड, लेकिन वहाँ पर कोई जाता नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक रोड बना हुआ है, उसे मॉल रोड कहते हैं। लेकिन मेन जो मॉल रोड है वो यही है 500 मीटर वाला। तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं, और अभी एक लास्ट एंड पॉइंट रह गया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मनाली में इस समय हॉट फेवरेट है। तो ये जगह है देखो आप, जो मैंने आपको बताया था मनाली में काफ़ी स्पेशल है अभी, और इसका नाम है फ्लाई डाइनिंग। तो यहाँ पर वेटिंग रूम है ये। तो सामने आपको देखो नज़ारा दिखेगा कुछ, ये लंबी सी ऊंची क्रेन है, और ये जो आपको दिख रहा होगा ये डाइनिंग एरिया है। तो ये देखो ये एंट्री है, यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं डेक। यहाँ पर आपको बिठाया जाता है, सीट बेल्ट वगैरह बांधा जाता है, और आपको ऊपर भेजा जाता है। इस तरफ ये क्रेन है, देखो आप, बड़ी सी क्रेन लगी हुई है, इसे आपको ऊपर ले जाया जाता है इस तरफ में। और लगभग 160 फीट पर आपको ऊपर खाना सर्व किया जाता है, और 4,000 रुपये पर पर्सन का चार्ज है यहाँ पर। तो ये इंडिया में फ़िलहाल 3 ही जगह होता है, मनाली में है, उसके अलावा गोवा में है, और तीसरा जो है वो नोएडा में है। तो ये यहाँ का फ्लाइंग रेस्टोरेंट है, फ्लाई डाइनिंग नाम है इसका। तो ये अभी अभी ओपन हुआ है, लगभग 1 महीना हुआ है इसे ओपन हुए मनाली में, और मैंने आपको बताया इंडिया में सिर्फ 3 जगह है ये। तो इसका काफ़ी न्यूज़ में मैंने सुना था, चर्चा में था ये रेस्टोरेंट, तो मैंने सोचा आपको दिखाना बनता है।
अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे देखो आप काफी ऊपर आ गए, इस तरफ देखो आप नीचे, मजा आने वाला है। शुरुआत हो गई है और यहाँ पर म्यूजिक काफी लाउड बज रहा है और इस तरफ का नज़ारा देखो आप, क्या नज़ारा आ रहा है पीछे का। पहले हम वहाँ थे नीचे उस जगह पर, तो काफी ऊपर आ गए हम, देखो आप। नीचे का नज़ारा देखो आप, नीचे पहुंचने वाले हैं 2 मिनट में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। तो इसीलिए आपको बताने के लिए आज मैंने यहाँ पर डिनर किया है और काफ़ी अच्छा डिनर था। तो ये फ्लाई डाइनिंग रेस्टोरेंट था जहाँ पर मैंने खाना खाया है और अभी यहाँ से नीचे उतरते हैं और फिर बाद में आपसे मुलाकात करेंगे और फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पर आ गया हूँ मैं, इस वक्त मेरे रूम में हूँ मैं और आज का मनाली का वीडियो खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ही देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो